यार एक तो इतना लेट करते हैं लोग कहीं भी जाने के लिए ना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी, मतलब मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। सुबह से मुझे उठा दिया है लोगों ने 5 बजे का, बोला भैया चलना है आज, रनिंग करने भी नहीं भेजा और लेट कर रहे हैं। क्योंकि यार एक तो यार मेकअप करके जाने का फंडा ही नहीं समझ में आता किसी का, मेकअप कर रहे हैं बाकी अभी दिखाता हूँ, मैं अंदर दिखाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ, कोई अभी रेडी नहीं हुआ। और सुबह लोग बोलते हैं कि जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, तो आप समय देख सकते हो कोई टाइम पे नहीं है, कोई भी टाइम पे नहीं है, फिर बोलेंगे लेट हो गए, लेट हो गए। देखते हैं कब तक रेडी होते हैं। पता नहीं क्या मेरी बहन ने बना दिया है, देखो पकौड़ी बनाया है, खाता नहीं हूँ, चिल्लाना चालू कर दिया। ये किसने बनाया है? मैं बनाई हूँ, पराठा बनाई है, मैं टिक्की बनाई हूँ। एक से एक पता है, बचपन बड़ी कुटाई किया हूँ मैं इनकी। मैं इसको इतना मारी, झूठ है, झूठ झूठ। मारते मारते बाल उग गया है, ज्यादा बड़ी नहीं है, एक आख साल ही बड़ी है। नहीं झूठ बोला है, झूठा तो एक नंबर का ही है। नहीं, और सुबह से मैं 6 बजे उठाऊ, मैं 5:30 बजे का उठाऊ, आधा घंटा ना ना ना, जनता गलत बात है, आप इस पे कंप्लेंट करिएगा। ये देखिए बहुत झूठ बोलता है, ये देखो खाई जा रही है, देखो इतना मोटा होता, देखो देख रही हो, देख रहे हो, मैं खा नहीं रही हूँ, मैं सबके लिए ले जा रही हूँ। चलो भाई रेडी हो जाओ सब, तब तक ये आप सबके लिए देखते हैं मेरी बहन ने जो बनाया कैसा बनाया, देखते आता है बना नहीं आता है। भूख लगी है इसलिए, वाकई में कभी कभी अच्छा बना लेती है, बट मैंने सिखाया है। पर मेरे जीजा जी कहाँ है? जीजा यहाँ आइए, देखिए आपकी बीबी ने कैसा खाना बनाया है। जब से सर पता नहीं क्या, अच्छा खाना बनाती है आपकी बीबी, खाना अच्छा बनाती। घबरा के बोल रहे हैं, डरते हैं, और ये मेरे से बहुत डरती है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ हाँ, परिवार के साथ ना जाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, और एक ये आधे घंटे लगाते हैं तैयार होने में। हाँ, और पता नहीं क्या यार, नहाने के लिए भी सजना जरूरी है क्या? बताओ यार गंदर भाई। अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ये लोग सुनने वाले नहीं। अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग चलते हैं अपना, चलते हैं, चलिए आइए, छोड़िए इन लोगों को, आइए चलना है, चल बेटा आ जाओ भाई, चल रहा हूँ। सभी उतरे हुए हैं, देखो पूरी गाड़ी खाली है, सारे पेट्रोल लगवाने के लिए उतर गए हैं। क्यों राजू भाई, सबको एक साथ ही काम आता है हमारे यहाँ, हवा भी भरा, कुछ लोग हवा भी भरा, तो आगे जरा एकदम मिलते हैं बाहर, जरा भी थोड़ा चलू हटी जरा। अरे बाप रे बाप, तुम जो इधर आओ बेटा, पेट्रोल पंप पे ही रुकते हैं लोग, बड़ी गर्मी है यार भैया, सब ऐसे ही आए फालतू, देखो मेरी तो हालत ही खराब है, बाहर बहुत गर्मी है, आ जाओ भाई, मुझे भी, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट, ये मेरी जगह पे लोग बैठ गए हैं, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जगह छेक लेंगे, फिर मुझे पीछे बैठ। हम लोग आ चुके हैं और राफ्टिंग करने का बहुत मन हो रहा है, क्यों भाभी? मन तो बहुत है ना आपका? बहुत ज्यादा, पूछो मत। अभी तो बहुत आ रहा है, और मौसम भी यहाँ का बहुत ही प्यारा एंड सेक्सी है, तो अब व्यू देखो यार, व्यू बड़ा सोना ही है, और तो पानी में चलते हैं तो एंजॉय भी करते हैं, बाकी मेरे फैमिली वाले तो कहीं पे भी जाते हैं फोटो में चालू हो जाती है, कहीं पे भी, शायद आपके साथ भी होता होगा, कभी आप फैमिली के साथ जाओगे वो लोग फोटो में ज़्यादा खींचते हैं लोग, तो फोटो वोटो उनको खींचते, तो बाकी हम अपना एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। सी यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करा करिए आप लोग। कैसे, मेरा अंडरवियर लोगों ने पानी में फेंक दिया यार, मैं क्या करूं? अब आप लोगों से शेयर तो सब कुछ कर ही सकता हूं यार, आप लोग तो मेरे अपने ही हो गए हो, तो फेंक दिया है, अब बाकी मैं क्या करूं, अब बस लोअर में ही जाऊंगा, और एक ही पहन के आया हूं कपड़े में, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, गरीब हूं ना, अब क्या करूं, ये लोग अमीर लोग हैं पीछे जो है सब, हम जैसे गरीबों को कोई नहीं पूछता, हम अकेले ही खुश रहते हैं। अकेले थोड़ा ब्लॉग करने में मुझे मज़ा नहीं आता ना, कोई साथ देने वाला भी नहीं था, कोई एक आध साथ फ्रेंड भी होता या फिर कोई पार्टनर होता साथ में, तो अलग
ही मज़ा आता है ब्लॉग करने में, हंसी मजाक इन्जॉयमेंट अलग ही होता है, क्योंकि यार एक फ़ोन से, एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और एक हाथ से हर चीज़ करना, तो या तो मैं फ़ोन ही कर लूँ या तो मैं खुद इन्जॉय कर लूँ। तो वही बात है, अगर आप लोग भाई कोई इंटरेस्टेड होगा मेरे साथ ब्लॉगिंग के लिए तो प्लीज़ यार मुझे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप लोग जब भी कभी आप फ्री मिलो मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए आ सकते हो यार, मज़ा आएगा साथ में करेंगे। मेरे फ़ोन की थोड़ी सी बैटरी लो हो रही है और क्या बोलते हैं, तो जस्ट मैं उसको पावर बैंक में चार्ज करूँगा, ये आज नहीं बोलूँगा कि बैटरी लो हो रही है, क्योंकि आज ब्लॉग मेरी पूरा आएगा, पूरा ट्रू ऋषिकेश का, ठीक है। फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है, गाय हमारी माता है। और यहाँ पे ये बताओ पेपर खा रही थी, ये गलत बात है यार, यहाँ पे आप लोग घूमने आते हो तो प्लीज़ कचड़ों को थोड़ा साफ़ कर दिया करिए, बोलने से पहले खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी जाया करिए मत करा करिए, क्योंकि गाय वगैरह जो भी हमारी यहाँ पे है खा लेती है कचड़े, तो अच्छी बात नहीं है, तो इनके लिए रोटी रखते हैं, रोटी लाया हूँ, दो रोटी दे देता इनको गाय माता। घूमते तैरते सोते जागते ऋषिकेश आ चुके हैं और रात हो गई है, तो अब झूला उला तो कहीं घूमना नहीं है, तो खाऊंगा पीऊंगा फिर चलूंगा देहरादून, जस्ट अब सब लोग आ रहा है, क्योंकि यार एक बात है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब कार चलती है ना नींद बड़ी अच्छी आती है, वैसे दिन भर तो नींद नहीं आएगी, जब ट्रैवल होता है तभी नींद अच्छी आती है। भाई दुनिया सेल्फी ले रही है, मैं क्यों पीछे हटूं, तो मैं भी सेल्फी लूँगा, और ये लोग मुझे देख रहे हैं, ये लड़का क्या कहा बातें कर रहा है अपने से, तो कुछ नहीं यार सबके सामने बात करो, आदत सी हो गई है, कोई अब कोई नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, तो जस्ट है लक्ष्मण झूला पे कि बता नहीं सकता, रास्ते में इतना 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 इतने लोग थे कि भयंकर, आते आते ही मुझे 10 मिनट 20 मिनट लग गए, और यहाँ पे भूख लगी है तो कुछ खाता हूँ मैं। बाबा की नगरी में है और बाबा मतलब कपड़े खरीद रहा हूँ, और ये मैं नहीं खरीद रहा हूँ, और भाभी का डिमांड था कि मैं भाभी को दिलाऊँ, तो भाभी जो चाहिए आप सब ले लो ठीक है, और भाभी सब ले रही हैं, जो मर्ज है मंगी से मंगी चीज़ आप खरीदिए, पैसे की चिंता मत करिए, मैं हूँ यहाँ पे ठीक है, भी ले लिया और हमारे नन्हे बालक ने भी ले लिया, दोनों चाचा भतीजा सेम कर रहे हैं।